लैब्राडोराइट के इयररिंग्स, जो ये वाला जो क्रिस्टल है, जो आप पता है, आप सब जानते हैं मेरा सेकंड फेवरेट क्रिस्टल है। आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू लॉन्च लैब्राडोराइट इयररिंग्स। आप मुझे फटाफट बता दो आपको शेप कौन सी चाहिए। आपको दिखाता हूँ हाउ अमेजिंग दिस क्रिस्टल इज। आपको लैब्राडोराइट नहीं पता है क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ व्हाट दिस क्रिस्टल इज। इट्स इनक्रेडिबल यार। लैब्राडोराइट ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके कलर पैटर्न्स ब्लू की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट इट्स एनिगमैटिक। मतलब हर तरीके से, व्हेन यू सी लैब्राडोराइट, इसके कलर्स ना हर जगह से बिल्कुल ही अलग लगते हैं। आई लव दिस क्रिस्टल। तो सवाल ये है, या तो मैं ये आपके लिए टीयर ड्रॉप शेप बना सकता हूँ, ओके दिस इज़ वन ऑप्शन, या मैं इसे आपके लिए बटन वाला बना सकते हैं जो हैंग नहीं करता बट इट्स लाइक अ बटन, या मैंने जो ये पहना हुआ है ओवल, ये बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट द लैब्राडोराइट डज, लैब्राडोराइट बेसिकली लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है। जैसे इतने सारे लोग होते हैं जिनको हमेशा खुद ही लगता है कि नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे रीच के बाहर है। आप अपने माइंड को ऐसे कंडीशन कर सकते हैं, कर देते हैं दैट यू आर लाइक, भाई ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, दिस इज़ आउट ऑफ माई लीग। लैब्राडोराइट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन, इट्स अ मैजिक स्टोन। जो चक्रा इसे एसोसिएटेड है, इट्स योर थर्ड आई चक्रा, ओके, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअली ग्राउंडिंग स्टोन। अब हर चीज़ लेनी से लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है। हम अक्सर लैब्राडोराइट, यू नो, हम जब पॉसिबिलिटी के बारे में, हमेशा काम के बारे में, धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ स्पिरिचुअल स्टोन। अच्छा, मेरे लिए ये मेरा सेकंड फेवरेट स्टोन इसलिए, बिकॉज एक तो ये ब्लू है, राइट, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। फर्स्ट फेवरेट स्टोन तो भाई हमेशा मेरा पायराइट में, उसके बिना तो कहीं ना जाऊँ। बट लाइक व्हाट इट डज फॉर मी इज ग्राउंडिंग। आप जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, पावरफुल हो जाएं, इनक्रेडिबल हो जाएं, आपके अंदर का वो जो प्योर इनोसेंस है ना, यू विल नेवर लूज दैट, यू विल ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। दैट्स वाई आई लाइक द लैब्राडोराइट। सक्सेस शुड नॉट चेंज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ऑलराइट, एंड आई लव द स्टोन। आपने ये वाला स्टोन मेरे हाथ में हमेशा देखा होगा। टूरमलिन इज नया, मेरी पायरेट की रिंग में कल फैशन शो पे गया था, समबड़ी वॉन्टेड, मैंने निकाल के उनको दे दिया। मैं फिर से, मेरे पास पायरेट की रिंग नहीं है, मैं लुधियाना से मंगाऊंगा अपने लिए भी। सो या, बट आपसे मुझे फिलहाल इस वीडियो में ये पूछना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लॉन्च लैब्राडोराइट के इयर रिंग्स, एंड आई वॉन्ट आस्क यू आप कौन से शेप के चाहते हैं। राइट, सो इफ यू वांट, मैं आपको ये वाला बटन ईयर रिंग ना पहन के एक्चुअली दिखाता हूँ। एक तो ये है, इसमें हम इसको डाल दें, या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम बटन ईयर, इसमें आपको वीडियो पूरा टाइम रुक जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे पहन लिया बटन वाला ईयर रिंग, ऐसा लगता है। आई एक्चुअली रियली लाइक हाउ इट लुक्स, इट्स रियली नाइस। ओके, ओवल वाला ऐसा है और टीयर ड्रॉप वाला ऐसा है। राइट, दैट्स व्हाट इट इज़। आप मुझे कॉमेंट्स में फटाफट बता दो आपको कौन सा वाला चाहिए, बटन, ओवल या टीयर ड्रॉप, एंड वील मेक इट फॉर यू। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल, आई लव इट। जो मेरे एक्चुअली दो क्रिस्टल्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैंने रेजोनेट किया था, वन वॉज ऑफ कोर्स लैब्राडोराइट, दूसरा है मेरा पायराइट, जिसके इयर रिंग्स मैं हमेशा हमेशा पहनता हूँ। तो अगर मैंने अंगूठियाँ निकाल भी दी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा पायराइट का इयर रिंग हमेशा मेरे पास एक तो रहता ही है। सो यू टेल मी विच शेप यू वॉन्ट, एंड आई वॉन्ट टू से दिस टू लॉट ऑफ पीपल जो आई थिंक जिन्होंने पायराइट हमसे लिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज आने लग गई हैं। पायराइट खास करके मेरे लिए वाला जो पायराइट का जो क्रिस्टल है, जिसके हमारे पास आपके लिए अंगूठियाँ हैं, लॉकेट्स हैं, एंड इफ़ यू नोटिस, मैं खुद भी जब आपको बताता हूँ, आई टेल यू मोर अबाउट द रॉ पायराइट जिसके हमारे पास जियो जोस में। आई वॉन्ट से टू पीपल हु गेट द पायराइट, आप जब मेरे से मेरे क्रिस्टल कोई भी लेते हैं मेरी वेबसाइट से, स्मज इट, मेक इट योर ओन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ हेल्प फॉर यू। ओके, मैं अपने क्रिस्टल्स के साथ जो बैठता हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई क्रिस्टल्स एज एन असिस्टेंट। आई से पर माई पायराइट्स मेरी अंगूठी के साथ नॉर्मली, एंड आई से ओके, मुझे इस महीने हमारी कंपनी को इतने करोड़ से ग्रो करना है, या इस महीने मुझे ये करना है, या मुझे कुछ नया करना है। आई एम नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट द मनी। मैं हर महीने ये नहीं बोल रहा मेरे को 4 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, मैं हर महीने ये भी बोल रहा हूँ मुझे अपने वैल्यू में एडिशन ऐसा चाहिए, लाइफ स्टाइल ऐसा चाहिए, क्योंकि पायराइट इज फॉर अबंडेंस। फिजिकल रियलम, ये वाली जो दुनिया है, जो बोलते हैं ना वो मटीरियलिस्टिक दुनिया, उसके लिए पायराइट है। मेरा मानना ये है मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी की मदद सिर्फ तब कर सकते हो जब आप खुद ही सिक्योर हो। राइट, दिस इज़ फॉर मटीरियल गेन पायराइट। इसके जियोड्स, पेंडेंट्स, लॉकेट्स, यू नो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दीज ब्रेसलेट्स ऑल्सो, राइट, दिस इज़ पायराइट। ये भी वेबसाइट पर काफ़ी लोगों से लेते हैं, बट मेरी खुद की प्रेफरेंस इज स्टिल द जियोड काइंड, जो आपको दिखता है इसका यू नो पैटर्न अलग होता है, बट लाइक विच एवर वन यू एक्चुअली लाइक। बट ये तो मटेरियल गेन की बात हो गई उसके बाद, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल गेन है, आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई सी सो मेनी पीपल अराउंड मी जिन्होंने बहुत कम चीज़ें की होंगी लाइफ में, पर उनमें घमंड बहुत ज़्यादा है। जब वो बात करते हैं, मैंने हियर दे यू नो, व्हेन दे टॉक टू पीपल, पर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, जो भी जब जिसे मिलो, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट 25 थिंग्स दैट दे डूइंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि एक्चुअली जो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, व्हेन यू से हे व्हाट्स अप, दे विल से ग्रेट चिलिंग, क्योंकि दे नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू।
एंड आई एम होपिंग इफ यू गेट द पाइराइट्स एंड इफ यू गेट द लैबराडोर राइट, ये जो मिक्सचर है ऑफ बींग वेरी सक्सेसफुल एंड बींग वेरी हम्बल, आई होप दैट हैपन्स फॉर यू. ओके सो या एनी वे, आप मुझे इस व्यू में तो ये बताओ, एजेंडा ये था, आपको कौन सा शेप बनाऊं मैं आपके लिए लैबराडोर राइट का? डू यू वॉन्ट द बटन, डू यू वॉन्ट द ड्रॉप, और डू यू वॉन्ट द अरे सॉरी, डू यू वॉन्ट द ओवल? ओके आई लव यू बिग पुची एंड आई फील सो हैप्पी व्हेन पीपल लाइक बाय द पायराइट एंड दे से ओह दिस हैपन इन माय लाइफ एंड आई गॉट सम गेन्स, तो ऐसा इमो हो जाता है, हमको बड़ा मजा आता है. आई लाइक इट, आई होप इट ब्रिंग्स यू लाइक लॉट्स ऑफ अबंडेंस. ओके बाय बाय, यू टेल मी क्विकली, आई हैव टू गेट दीज मेड फॉर यू.